नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बेधड़क हरियाणा न्यूज और मैं आपके साथ सतवीर सारन। और तस्वीरें देख पा रहे हैं आप एसआर इंटरनेशनल स्कूल कुमारिया की। आपको बता दें कि यहां आज एक कंपटीशन एग्जाम रखा गया था जिसमें भिन्न भिन्न गांव से भिन्न भिन्न स्कूलों के छात्र छात्राएं परीक्षा देने यहाँ आए हैं। और यहाँ पर आप मेरे पीछे जो तस्वीरें मैं कैमरामैन से कहूँगा कि आप देख पा रहे हैं कि एसआर सैनिक अकेडमी भी साथ साथ यहाँ चलाई जा रही है, जिसमें देश की सेवा, देश के युवाओं में जज्बा पैदा करने के लिए भी यहाँ तैयारियां करवाई जा रही हैं। हमारे साथ जो स्कूल संचालक हैं और जो छात्र छात्राएं जिन्होंने डिफेंस में जाने का मन बनाया है या जो पेरेंट्स जिन्होंने अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य देखा है, वो तमाम लोग जुड़ेंगे और उनसे बातचीत भी करेंगे और उनसे जानकारी हासिल करेंगे कि आज जो एग्जाम हुआ है उस बारे में वो क्या कुछ कहेंगे, स्कूल के बारे में वो क्या कुछ कहते हैं। ये नाथूसरी चोपटा क्षेत्र के कुम्हारिया गांव में जो एक शिक्षण संस्थान है एसआर इंटरनेशनल स्कूल, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ यहाँ जो संचालक हैं सुनील बेनीवाल जी, वो जुड़ेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, आज एक एग्जाम हुआ है, क्या कुछ कार्यक्रम है, क्या एजेंडा लेके आए? सबसे पहले तो आपकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद जी हमारे स्कूल में पहुंचे। हमारा एजेंडा, हमने 2 साल पहले आपको एक बार यहाँ उद्घाटन पे बुलाया था कि एक हम शेड्यूल शुरू कर रहे हैं सैनिक स्कूल का और आर्मस का। सैनिक स्कूल एक ऐसा मैं सीधा रास्ता कह सकता हूँ कामयाब होने का, या फिर अपने बच्चे को आप संस्कारी के साथ साथ ऑफिसर बनाना चाहते हो और प्लस टू बेस पे बनाना चाहते हो, तो सैनिक स्कूल से बेहतर कोई स्कूल नहीं हो सकता क्योंकि वो 6th क्लास से इसकी तैयारी शुरू करवा देते हैं। तो हमने 5th क्लास, 3rd क्लास और 4th क्लास के बच्चों को प्रिपेयर करना शुरू किया जी। तो इस चीज के लिए एग्जाम हमने आज एंट्रेंस एग्जाम रखा है। इसके अंदर क्या होता है, अगर की बार किसी एकेडमी में जाओगे तो उसकी प्रिपरेशन की फीस बहुत ज्यादा रखी है, जिसके अंदर एक प्रतिभाशाली बच्चा जो गरीब घर से एग्जाम रखा है, जिसके अंदर कोई प्रतिभाशाली बच्चा है, इंटेलिजेंट बच्चा है, वो एग्जाम दे के यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकता है, सैनिक स्कूल में एडमिशन लेकर प्लस टू करते ही ऑफिसर बन सकता है। सर, अब तक अगर पिछले 2-3 साल की बात करें, आपने शुरुआत करी है, क्या कुछ आपने नए गुल खिलाए? पिछले 2-3 साल में हमने एकेडमी पिछले साल शुरू की है जी। हमारे पास 30 बच्चे प्रिपरेशन कर रहे थे सैनिक स्कूल के, और 30 के 30 बच्चे हमने आंसर की से मैच किए, 30 के 30 बच्चे क्वालिफाई कर रहे हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रिजल्ट मैं कह सकता हूँ कि किसी एकेडमी में 30 बच्चे प्रिपेयर करे और सैनिक स्कूल की प्रिपरेशन करे और 30 के 30 क्वालिफाई करे, ये अपने आप में एक प्रमाण है जी। हमारे साथ छात्र छात्रा जुड़ेंगे, क्या नाम है? माय नेम इज रिया। आप यहाँ किस तरह की पढ़ाई करते हैं, किस तरह का माहौल आपको मिल रहा है? यहाँ पे बहुत अच्छा माहौल है, यहाँ के सभी बच्चे कॉम्पिटेटिव हैं और आसपास के सभी बच्चे मेहनती हैं, उनको देखकर मेरा भी मेहनत करने का मन करता है। मतलब यहाँ अगर बात करें सैनिक स्कूल की, तो क्या कुछ सिखाया जा रहा है टीचर्स द्वारा, क्या बनने की तमन्ना रखते हैं आप? यहाँ पे बहुत कुछ सिखाया जा रहा है, जैसे कि मैं टीचर्स की बात करूँ तो जयपाल सर हमें मैथ पढ़ाते हैं तो वो हार्ड क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कराते हैं, बसंती मैम हमें जीके स्टोरी टाइप पढ़ाते हैं, स्किला मैम हमें डीपली पढ़ाते हैं, और कुलदीप सर हमें रीजनिंग बार बार रिवाइज कराते हैं, सुनील सर हमें मोटिवेट करते हैं। कैसा लग रहा है स्कूल का? बहुत अच्छा है। क्या नाम है आपका? माय नेम इज स्नेहा। क्या मतलब क्या सपने हैं आपके, स्कूल के माध्यम से क्या कुछ बनना चाहते हैं? मैं एनडीएमए ऑफिसर बनना चाहती हूँ। तो ऑफिसर बनने के लिए क्या कुछ करना होता है, वो यहाँ बताया जाता है? हाँ, यहाँ पे बताया जाता है कि एनडीएमए ऑफिसर बनने के लिए सैनिक स्कूल की तैयारी भी करवाई जाती है। आपका क्या नाम? माय नेम इज सिमरन। क्या एम है आपका? मेरा एनडीएमए ऑफिसर बनने का एम है। तो क्या लगता है कि आप इस स्कूल में पढ़ने के बाद आप अपने एम को चेस कर पाओगे? हाँ, मेरे को लगता है, मैंने अपना 100% दिया और मैंने सोच लिया आगे जो भी होगा मैं उसको एक्सेप्ट करूंगी, और ये हमें करना भी चाहिए। ये सारे ऑफिसर बनने वाले हैं, ये सारे एक बड़ा जज्बा है, और मैं इनसे पूछ रही कौन सी क्लास है? आई रीडिंग सैनिक स्कूल। अच्छा, ताले सैनिक स्कूल में क्लास कौन सी होगी? सैनिक क्लास। अच्छा, एक ही क्लास है। हाँ। मतलब एक बहुत बड़ी बात है कि नाथूसरी चोपटा वर्गे एरिया का मां और छोटा छोटा टाबर है भाई, यहाँ का भी एनडीएम अफसर बनाऊंगा। एक मार लो दो अपनो दो रो मेरा हम उम्र लोग होगा और पेरेंट्स खड़े है मेरे दो बेटा और बेटी पढ़ते हैं, एक बेटा है वो सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहा है, उसका
जैसे मैंने यहाँ पे एडमिशन करवाया, उसके पास बाद में मैंने बहुत उसमें ग्रोथ देखी है। जैसे इस स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ कंपटीशन की भी तैयारी करवाई जा रही है, बच्चे का ऑल ओवर डेवलपमेंट जो आज भविष्य की जरूरत है उसको ध्यान में रखते हुए पूरे तरीके से बच्चे को क्या है प्रिपेयर किया जा रहा है, जिससे निकट भविष्य में आने वाली समस्याओं से वो क्या है सामना कर सकता है। मतलब अलग से कुछ जुड़ने की प्रतिभा। हाँ जी, ये साथ में बच्चों में क्या है जो आज का दौर है कंपटीशन का, वो भी क्या है धीरे धीरे बच्चे कंपटीशन से रूबरू होंगे तो उनको ये पता चलेगा कि अपने आगे भविष्य में कैसे कैसे कंपटीशन को दूर फाइट कर सकते हैं और एक सफलता हासिल कर सकते हैं। धन्यवाद। आपका नाम? मेरा नाम राजवीर है सर। अच्छा, आपके भी बच्चे यहाँ? हाँ सर, मेरे बच्चे तीन बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ पे, बड़ी बेटी प्लस वन में कर रही है यहाँ पे और छोटी बेटी है मेरी नाइन्थ में है और बेटा सिक्स में। और जहाँ तक मैं बात करूँ स्कूल की, तो मैं किसी स्कूल का नाम ना लेते हुए ही कहना चाहूँगा कि मेरे बच्चे पहले जिस स्कूल में पढ़ रहे थे वहाँ पे जो छोटा बेटा है उसके बारे में उसने ये बोल दिया था ये कामयाब नहीं हो सकता, चाहे आप इसको कहीं भेज दो। तो वो फर्स्ट क्लास से मैंने उसको यहाँ डाला था, आज वो सिक्स में है और मेरी उम्मीद के हिसाब से वो बहुत अच्छी ग्रोथ से क्वालिफाई है मेरे हिसाब से। जिस तरह के मतलब माँ बाप सोचते हैं कि बच्चों का भविष्य उज्ज्वल करता, आपको लगता है यहाँ का बच्चों का भविष्य है जो शिक्षा ग्रहण करने के बाद उज्ज्वल होगा? बस यही है सर कि मैन मेरे को यही लगा कि जो भी मैसेज हम देते हैं, जैसे हम चेक करते हैं 10 दिन में 15 दिन में जब भी टाइम लगता है बच्चे को चेक करते हैं, तो जो भी हम मैसेज डालते हैं स्कूल को भी बच्चा यहाँ वीक है, तो उसका मतलब 8 से 10 दिन के अंदर मेरे को रिजल्ट मिलता है उस चीज का। ये सबसे कॉन्फिडेंशियल लगी मेरे को, किसी बच्चे का हम कंप्लेंट डालते हैं तो 8 से 10 दिन के अंदर उसका रिजल्ट मिलता है, वो बच्चा उस चीज को कवर कर देता है। और हमारे साथ लोग जुड़े हुए, आपका क्या नाम? सुभाष चंद्र गुंजन। अच्छा, आपके भी बच्चे यहाँ कितने समय से पढ़े हैं? 1 साल से सर। अच्छा, 1 साल में क्या बदलाव दिखाई दिया आपको? खूब है जी, पहले नो ज्यादा है। धन्यवाद आपका। और भी लोग हमारे बीच में महिलाएं भी आई, क्योंकि माओ को ज्यादा पता होता है छात्र छात्राओं का। आप यहाँ स्कूल में विजिट किया? अपनी गुड़िया का एडमिशन करवाने के लिए गई हूँ यहाँ पे, तो यहाँ मैं इसका स्कूल का देखा है, मेरे पास काफी अच्छा रहा है और मैं अपनी गुड़िया को इसी में देख रही हूँ कि इसी में एडमिशन करवाऊँ। आप तमाम तस्वीरें जो देख पा रहे हैं मेरे चारों तरफ, ये वो लोग हैं जो कोई एडमिशन करवाने आया है, किसी के बच्चे यहाँ शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, कुछ पेपर दिलवाने आए हैं। क्षेत्र में बढ़ती शिक्षण संस्थाओं में से एक नामी ग्रामीण स्कूल जो SR इंटरनेशनल स्कूल कुम्हारिया है, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, क्योंकि अभी 2 महीने हैं, इनमें बच्चों को जो नई जनरेशन है उसके एडमिशन होने हैं, इसलिए प्रयास भी तेज स्कूलों की तरफ से कर दिए गए हैं। लेकिन ऐसी शिक्षा जरूरी है कि भविष्य में आने वाला जो नया भारत बनेगा उसमें ये छात्र छात्राएं क्या गुण खिलाएंगे। ये तमाम तस्वीरें आप देख रहे थे बेधड़क हरियाणा न्यूज पे। मैं आपके साथ सतवीर सारंग, कैमरा सहयोगी जोनी शर्मा के साथ। धन्यवाद।